आज दिनांक 11 सितंबर 2022 को नगर पंचायत वार्ड 2 तिरुवान में नवरात्रि कमेटी का गठन किया गया, जिसमें रोहित तिरुवा को अध्यक्ष चुना गया। बैठक की अध्यक्षता बसंत तिरुवा ने की और सभासद तनुज तिरुवा ने बताया कि 26 सितंबर को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ नवरात्रि की शुरुआत की जाएगी। पंचमी के दिन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी। सप्तमी 2 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें महिषासुर नाटक मंचन किया जाएगा। वहीं स्टार सिंगर भी आएंगे और अष्टमी के दिन जागरण चांचरी कार्यक्रम किया जाएगा। सप्तमी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ही सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आज हमारे गांव तिरुवान में नवरात्रि कमेटी का हम लोगों ने एक गठन किया, जिसमें अध्यक्ष रोहित तिरुवा, उपाध्यक्ष विशाल तिरुवा, सचिव मोहन तिरुवा, उपाध्यक्ष हंसा, छोटी बहन हमारी हंसा है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो निर्देशक हैं श्री संजय तिरुवा जी हैं, संरक्षक श्री गोपाल राम जी हैं, और जी बसंत कुमार जी हैं, और सहित हमारे कोषाध्यक्ष अर्जुन तिरुवा को सहित सारे पदाधिकारी को आज मनोनीत किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 26 तारीख से शारदीय नवरात्रि का जो शुभारंभ किया जाना है, तो इसमें से हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रम इसमें आयोजित करने हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रथम दिन हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठान करेंगे, जिसमें पंडित जी हमारे मूर्ति प्रतिष्ठान के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उसके पश्चात पंचमी के दिन हम लोग पूर्व की भांति इस बार भी हम लोग सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करेंगे, जिसमें कि इंटर लेवल के बच्चे तक इसमें प्रतिभा करेंगे, और जिसमें कि एक हम लोग सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराते हैं, जिसमें प्रथम द्वितीय व तृतीय आने वाले को हम लोग अंतिम दिन इसका हम लोग पुरस्कार वितरण करते हैं। साथ में इस बार हम सप्तमी के दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान सुरेश गड़िया जी हैं, और सांसद महोदय हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, और पूर्व सहित जितने भी हमारे गणमान्य हैं या इस कमेटी के जितने भी संरक्षक हैं वो इस कार्यक्रम में आएंगे। साथ ही इस बार का जो हमारा विगत वर्षों की बात है, जो हम लोग एक रोचक नाटक करते हैं, पिछली बार हम लोगों ने बसपासुर नाटक किया था, उससे पहले हम लोगों ने सत्यवादी राजा हरिचंद नाटक किया था, उससे पहले भी हम लोगों ने हिरण्यकश्यप नाटक किया था, तो इस बार हम लोगों ने महिषासुर नाटक जो हम लोगों ने इस बार हम महिषासुर नाटक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि किस प्रकार से महिषासुर का वध होता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो कार्यक्रम है, आज बेटियां किस प्रकार से अपना नाम रोशन कर रहे हैं, साथ में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इस नाटक के माध्यम से भी आपको बेटियों पर जिस प्रकार से जुर्म होता है, चाहे पहले होता है या चाहे अभी होता है, तो जुर्म जो भी करता है उसका जो भी अंत होता है वो विनाश की ओर होता है, तो किस प्रकार से महिषासुर का विनाश होता है, तो ये नाटक आप लोगों के सामने मंचन किया जाएगा। साथ ही इस नाटक को, इस पूरे कार्यक्रम को हम लोग लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे, लोगों तक इस नाटक को हम लोग दिखाएंगे, और तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि है क्षेत्र के, जितने भी हमारे कपकोट क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, इस कार्यक्रम में आएंगे और इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप हमें सहयोग करेंगे, और साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हम लोग इस कार्यक्रम को हम लोग रात्रि में 9 बजे से इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जिसमें कि मैं पहले बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि महिषासुर नाटक कि मुख्य आकर्षण रहेगा, महिषासुर नाटक रहेगा, जिसमें कि आप लोग सभी को से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस नाटक को देखने के लिए, पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए आप पधारेंगे। टीसी न्यूज के लिए कपकोट से तनु तिरुवा की रिपोर्ट।